नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल किक फैक्ट पर। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में मैजिक ट्रिक्स तो देखी होंगी, चाहे वो टीवी में हो या रियल लाइफ में। जादूगरों की इन बेहतरीन कलाओं का हर कोई दीवाना होता है और हर कोई इस मैजिक को करना चाहता है, क्योंकि ये जादूगर ऐसे कमाल के कारनामे कर ही दिखाते हैं जो बिल्कुल असंभव होते हैं। जैसे कि हवा में बैठना, पानी के ऊपर चलना, हवा में उड़ना, चीज़ें गायब करना, ये तो कुछ ही मैजिक ट्रिक्स हैं जो अक्सर जादूगर हम सबको दिखाते हैं। पर आपने कभी सोचा है ये जादूगर ऐसा कर कैसे पाते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको पुराने बोरिंग मैजिक ट्रिक्स नहीं दिखाने वाले जिनसे आप बोर हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मैजिक ट्रिक्स दिखाएंगे जो आपने शायद ही पहले कभी देखे होंगे, और साथ ही हम इस मैजिक के पीछे का राज भी आपको बताएंगे कि आखिर ये मैजिक करी कैसे जाती है। तो आइए अब चलते हैं इस जादुई रहस्य की खोज के सफर पर। दोस्तों, अगर आप कभी कोई बड़े शहर गए होंगे तो वहाँ पर आपने ऐसे जादूगरों को जरूर देखा होगा जो एक लकड़ी के सहारे कई घंटों तक हवा में साधना के पोजीशन में बैठे नजर आते हैं। क्या आपको पता है कि वो ऐसे अजीबोगरीब कारनामे कैसे कर लेते हैं? चलिए, आपको अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बता देता हूँ। असल में ये हवा में नहीं बल्कि एक फ्रेम पर बैठे होते हैं जो लकड़ी या लोहे का बना होता है। इसे एक खास प्रकार के मैकेनिज्म से बनाया जाता है जो दिखने में कुछ इस प्रकार होता है। ये फ्रेम उनके कपड़ों के अंदर छुपा होता है और ये लोहे का फ्रेम उनकी इस छड़ी से जुड़ा होता है जिसको ये अपने हाथ में पकड़े रहते हैं। इस मैजिक को करने के लिए इन्हें ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं जिससे वो इस फ्रेम को अपने कपड़ों के अंदर आसानी से छुपा सके, लेकिन उन्हें इसी पोजिशन में कई घंटों तक बैठे रहना पड़ता है। इन जादूगरों के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आपने टीवी में कभी ना कभी जादूगरों को पानी के ऊपर चलते देखा ही होगा, राइट? और आप सोचते ही रह जाते होंगे कि आखिर वो ऐसा कर कैसे पाते हैं? क्या सच में उनके पास जादुई शक्ति होती है? अगर आपने ये मैजिक ट्रिक गौर से देखी होगी तो आप नोटिस करेंगे इस जादू को करते समय जादूगर बिल्कुल शांत पानी के ऊपर नहीं चलते और ना ही पानी बिल्कुल साफ होता है। वो ऐसा तालाब या नदी चुनते हैं जिसका पानी कभी शांत नहीं रहता हो, पानी में हमेशा कंपन होता ही रहता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो असल में पानी के ऊपर चलते ही नहीं हैं, वो पारदर्शी प्लास्टिक के एक प्लेटफॉर्म पर चलते हैं जो पानी के स्तर से थोड़ा नीचे होता है, जो पानी में होते हुए हमें दिखाई नहीं देता है, और इसी बात का जादूगर फायदा उठाकर हमें गुमराह करने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों, आपने हैरी पॉटर मूवी के अंदर लोगों को दीवार के अंदर घुसते हुए तो देखा ही होगा, पर जादूगर मैजिक शो में असल में ये जादू करके दिखलाते हैं। क्यों यकीन नहीं होता, खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले ये जादूगर ऑडियंस में से किसी को ये देखने के लिए बुलाता है कि दीवार असली है या नकली। जब उसको यकीन हो जाता है कि दीवार असली है, तब जादूगर दीवार की एक साइड से अंदर घुस जाता है और उसकी परछाई हमें अंदर जाती हुई नजर भी आती है, और उसके बाद वो दूसरी साइड से निकल भी आता है। पर वो ऐसा कर कैसे पाता है? असल में जब जादूगर की असिस्टेंट उसको इस फ्रेम में कवर कर देती है, तब चतुराई से दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है और छिप जाता है, और बाद में जादूगर इस फ्रेम के साथ दूसरी साइड पहुंचाया जाता है। और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि जादूगर की एक भी झलक ऑडियंस को ना पड़े, और वो ऐसा दिखाते हैं कि वो दीवार से बाहर निकल रहा है। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री टीवी चैनल देखते हैं तो आपने डायनमो की मैजिक ट्रिक को तो देखा ही होगा। ये कमाल का जादूगर अपनी मैजिक ट्रिक्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। एक बार डायनमो ने एक लड़के का फ़ोन लेकर उसको इस तरह मरोड़ा कि फ़ोन का आधा हिस्सा पीछे की तरफ घूम गया। वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। पर ऐसा उसने किया कैसे? असल में उसने फ़ोन लेते ही अपने हाथ से बिल्कुल सफाई से उस पर ऐसा स्टिकर लगा दिया जो फ़ोन की बैक साइड जैसा दिखता था, और ये उसने इतनी चतुराई से किया कि किसी को पता भी नहीं चला। और बाद में उसने ये स्टिकर हटाकर फ़ोन को उस लड़के को वापस कर दिया और सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, ये मैजिक किसी को हैरान करने और डराने के लिए काफ़ी है। लोग इसे देखकर बस सोचते ही रह जाते हैं कि इन्होंने अपना सिर अपने हाथ में कैसे ले लिया। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इनकी जादू का राज इनके शरीर में ही होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इनके मैजिक का राज इनके कपड़ों में ही होता है। इन जादू को करने के लिए जादूगर को एक बड़े कोट की ज़रूरत होती है जिसमें कि एक तरह का कस्टम फ्रेम डाला जाता है जो कि एक हैंगर जैसा दिखता है, और जादूगर जादू दिखाते समय एक हाथ से इस फ्रेम को पकड़ता है और दूसरे हाथ से अपने सिर को नीचे खींचने का नाटक करता है। फ्रेम को पकड़े रखने के कारण कोट ऊपर ही उठा हुआ रह जाता है।
इसी ट्रिक की मदद से जादूगर इस ट्रिक को परफॉर्म कर पाते हैं और जादू देखने वाले को लगता है कि इन्होंने अपना मुंह अपने हाथ में पकड़कर नीचे खींच लिया है। ये मैजिक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसे आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इन जादूगरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और कमेंट में जरूर बताना इन पांचों ट्रिक्स में से कौन सी ट्रिक आपको सबसे मज़ेदार लगी। और आगे ऐसे ही एक्साइटिंग और मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए अभी ही हमारे चैनल यानी किक फैक्ट को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।